हाँ तो कैसे हैं गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। बस निकलने वाले हैं, टेम्पो ट्रैवल हमारा बाहर खड़ा है, तो अभी तैयारी वगैरह चल रही है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको सब चीज़। हाँ ये देखो, यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं हमारी। तैयारी हो गई, बस निकल रहे हैं, निकलने वाले थोड़ी देर में। और केदारनाथ की सफर के लिए हेलो गाइस, तो अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अभी चंबा। तो देखिए अभी अभी हम आए हुए हैं, अभी हम रुके रहेंगे, नीचे जाके दिखाऊंगा मैं आपको व्यू कैसा है। भाभी का बैग निकालना, भाभी का बैग देख के जैसे निकालना ना। चाहिए क्या बैग? बैग मना कर रहे हैं वो। एक सो देख ही रहे हो गाइस, अब व्यूज देखो। वाओ मैन, क्या व्यू है। तो गाइस के सर जी नीचे उतर के व्यूज है यहां, उतर जाओ भाई। व्यू 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 भी करते हैं, यहाँ चला गया तो व्यू। पांच बज रहे हैं। वाओ, गाइज अभी हम रुके हैं, कुछ सोचा खाना वाना खा ले, तो अभी यहाँ पे लगा रखी है मैं गाड़ी साइड। ये देखो मम्मी, तो गाइस हम रेडी हो गए हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बस 5 मिनट में हम निकल रहे हैं, हम पूरे रेडी हो चुके हैं गाइस।
बहुत मजा आ रहा है यार ट्रिप पे, वाओ सच अ ऑसम ट्रिप। सो सामान वामान ले लिया सारा, ये लेके चलना, क्या चीज दो ये ले जाओ, जब तक बैग निकालो ना। रेडी हो गए हम सारे, रेडी हो गए ना जी। हमारा सामान लगा हुआ है, ये गाड़ी आ गई हमारी। अरे क्या हो गया इसको, क्या हुआ, खुल कैसे नहीं रहा ये? अच्छा चलो जी चलो, ये देखो ये हमारे गाड़ी चला के ला रहे हैं, जो ये बहुत जबरदस्त गाड़ी चलाते हैं, हल्के मत लेना। निकल रहे हैं ना बस, अब चलो बैठो भाई जल्दी चलो बस में। हेलो गाइस, सोम सोनपुरी आपको पहुंच चुके हैं, रेडी हो गए अभी तो, क्या ठंड नहीं लग रही हमें। हेलो गाइस, हमारे भाई वैसे बढ़िया जगह है यार, मजा आ रहा है, बाकी ऊपर जाके पता लगेगा ना कैसा है सब। अभी लग तो बढ़िया ही रहा है, अभी तक तो देखो हमारा को कुछ ऐसा नहीं लगा कि कहीं फंस गए, कहीं बर्फ हो, कहीं ठंड हो, बहुत। हाँ ये बात भी सही है, देखो ये रे ये साथ है ना, फिर दिक्कत कहाँ है ना। मजा आ गया एक नंबर, क्या बताऊंगा इसकी, एक नंबर मजा आ रहा है, एक नंबर मजा। वाओ ऑसम, जिंदगी के मजे लेने हैं तो यहाँ घूमने जरूर आना। पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब सारे बैग वगैरह तो लेके नहीं जाएंगे ना, वहाँ बस कुछ ही बैग रखेंगे, तो उसी की पैकिंग वगैरह चल रही है। वाओ मैन, सच अ ऑसम प्लेस। आप देख रहे हैं ये है गौरीकुंड, अभी हम यहाँ नहाने आए हैं, इतनी ठंड में भी देखो यहाँ पे पानी इतना गर्म है, वाह यार। हाँ तो हम गौरीकुंड में हम नहाएंगे थोड़ा सा, मैंने बोतल लिया था, गरम गरम पानी है, वो गरम पानी है, वाह। लेकिन मैं मजा बहुत आ रहा है, मजा आ रहा है, एक नंबर रहने का। गाइस पानी बहुत गर्म है, लेकिन गाइस दिखाना थोड़ा सा, और भाई जी चलिए साफ है, अभी मान जाएंगे थोड़े। हाँ तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, अब हम केदारनाथ यात्रा के लिए ऊपर निकल रहे हैं।
सो गाइस देखो पूरे रेडी हो चुके हैं, पूरी गर्म जैकेट के साथ, पूरी तैयारी के साथ। सुबह के 4:30 मौसम का आगे तक मैं आपको दिखाता रहूंगा सब। एक बार और अंजे वाव क्या मजे आ रहे हैं गाइस, एक नंबर। पहाड़ों पे भी स्ट्रिंग पीने का मजा ही है। देखो गाइस हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, वाओ मैन। भाई जा कहाँ रहा है? पता नहीं, तू जा, ख्याल रखना अपना। जय जय महादेव, जय शंकर, जय ओम नमः शिवाय। ये गाइस जब हम पैदल चढ़ाई कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है गाइस, एक नंबर, वाओ ऑसम, बहुत बढ़िया। देख रहे हो बादल ही बादल है, हर जगह बादल ही बादल है, पहाड़ तो नजर ही नहीं आ रहे बिल्कुल। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। हेलो गाइस, यहाँ पे हमें एक आंटी अंकल मिले हैं। केदारनाथ की चढ़ाई कैसी रही? अच्छा लगा के? अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, चलो बाय बाय।
तो कैसे हैं आप सब गाइस? वैसे केदारनाथ में बहुत अच्छी सुविधा है, होटल वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे हम रुक भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे रुकने का ना हो या कुछ ना हो, सारी सुविधा है। और हॉस्पिटल की सुविधा, जैसे किसी को बाई चांस चोट वोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो भी बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है गाइस, बहुत बढ़िया कर रखा है सब कुछ। और बाकी एक नंबर है, आप ऊपर केदारनाथ के दर्शन करने से पहले यहीं रुक सकते हैं, जैसे रात को आ गए तो रात को आप यहीं रुक गए और सुबह दर्शन कर लिए। तो कैसे हैं गाइस, मैं आपका अपना रोहन कश्यप, कॉल मी आर के। अच्छा गाइस, मैं एक बात और बता दूं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर आप कराएं ना तो नीचे से ही कराएं, ऊपर आके कराओगे तो बहुत लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है गाइस? इस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें। ओके, मैं आगे की खबर भी आपको देता रहूँगा, मिलता हूँ। तो कैसे गाइस, इनसे मिलिए। हेलो, बोलिए। आप कभी भी आते हैं केदारनाथ तो एक काम कीजिएगा, वेट ज़्यादा मत लीजिएगा अपने साथ। ऐसी ये गलती हो जाती है बहुत ज़्यादा लोगों से कि वो वेट ले लेते हैं, और ना ही कोई फालतू चीज़। जब भी आप आएंगे ये सामान तो कम से कम वेट लाने का कोशिश कीजिएगा, और यहाँ का एक नज़ारा दिखाते हैं आपको, एक बार देखिएगा। बाकी आप बताइएगा कुछ, आपका कैसा रहा? बस बहुत अच्छा सफर रहा, मज़ा आ रहा है, इतना सुहाना मौसम है, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ गया। बताइए आप, बताइए। एकदम बढ़िया रहा? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप सबके साथ, कि वजन ज़्यादा मत लेके आइए। देखो गाइस, अब आपको अगर होटल्स वगैरह लेने हो यहाँ पे, अगर आप 10-11 जने हो तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक ठाक है। ये देखो रूम, इसमें आराम से 10-11 लोग रुक सकते हैं, बड़े आराम से। देखिए कितना लंबा रूम है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा खासा रूम है। एक बार मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, बैकग्राउंड आसपास क्या है, बैक कैमरे से। अभी ये इसका बैकग्राउंड है, ये सब देखो क्या लोकेशन है, ये नए होटल्स और बन रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया है, वाव जगह है। और इसके पीछे ही अपना केदारनाथ, जन्म जदुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्म जदुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी वराई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं, जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना। शिव समार है मुझ में, शिला ने पूरा पानी काटा था जिससे मंदिर बचा रहा, पानी चाहे दोनों तरफ से कटा और मंदिर बचा रहा, ये वो शिला है, भीमशिला है, भीमशिला नाम दिया। देखो उनको सब पता है, और ऐसे में आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ पूरा। अरे भाई, Thank you.
रन कहीं रन में को मगर से गूंजे के गन में रमता जो की रमता मगन में ओ